मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ खींचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। बीजेपी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के कम से कम 900 मदरसों और दरगाहों में योग कराने की प्लानिंग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। 403 विधानसभाओं में दो दो कार्यक्रम के संयोजक बना करके और लोकसभा में तैयारी करके लगभग 900 मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और इधर जगहों पर योग का कार्यक्रम किया जाएगा। मदरसों को बदनाम करने में भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। अब जो चुनावी बेला आ गई है तो अब मदरसों में भी जाएंगे, मजारों पर सजदा भी देंगे। योग के अलावा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर तक जाने की भी योजना बनाई है, जिसमें 18 लाख लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।